हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो लेजर को कोई अल्टर करना हो या लेजर को डिलीट करना हो या फिर ग्रुप क्रिएट करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, पिछली क्लास हमने आपको बताया था लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमने बताया था आपको कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा। कहाँ पे आना होगा? गेटवे ऑफ। फिर आपको किस में जाना होगा? क्रिएट, और क्रिएट के बाद से, और जिस नाम से आपको लेजर बनाना है वो नाम यहाँ टाइप करेंगे। जो ग्रुप उसका आएगा उस ग्रुप का नाम रखेंगे यहाँ पे, और नीचे अमाउंट भर के उसको क्या कर लेंगे? सेव कर। अब रही बात ये चीज कि अब जो आगे दे रहा अल्टरिंग लेजर, अल्टर का मतलब होगा मॉडिफाई करना या करेक्शन करना, जो पिछले क्लास में बताया था। सपोज करिए जो यहाँ दे रहा, अगर हम किसी लेजर में कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, नाउ चेंज नेम ऑफ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक टू लोन फ्रॉम एचडीएफसी। जो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक भरे हैं ना, इसका नाम चेंज करके अब क्या करना है? हाँ, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, और उसका ओपनिंग बैलेंस वही रखना है 6,75,000। उस सॉल्यूशन दे रहा है, जस्ट यहीं पे आपको करना क्या होगा? तो कह रहा है सबसे पहले तो आपको जाना है गो टू गेटवे ऑफ टैली, आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। और उसके बाद कह रहा है अल्टर, और अल्टर बस क्या सेलेक्ट करना है? याद रखिएगा, अगर जो आपको कोई भी यहाँ से लेजर नया बनानी है तो गेटवे ऑफ टैली पे आने, बस क्रिएट में जाएंगे और लेजर में आके लेजर बना लेंगे। कब? जब नया लेजर तैयार करना होगा, लेकिन पहले से लेजर बना हुआ है और यदि उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से इसमें जाना होगा अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद से हो जाएगा ना। अब यहाँ पूछेगा, जो आगे देखिए कह रहा है कि आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लेजर एंड प्रेस, कि जो लिस्ट का, लेजर का जो लिस्ट है ना, इसमें से आपको लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को सेलेक्ट करना है और इंटर बटन प्रेस करना हो जाएगा ना। नाउ चेंज द नेम। अब आपको क्या करना होगा? नेम चेंज करना होगा। जो कह रहा है नाउ चेंज द लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, अब जो पहले से नाम था लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक उसको हटा करके क्या कर लेना, लोन फ्रॉम एचडीएफसी, चेंज हो जाएगा ना। अब उसके बाद से क्या करना होगा? तो कह रहा है प्रेस वाई आर इंटर टू एक्सेप्ट द स्क्रीन, कि यदि इस स्क्रीन को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ या तो ए या तो सिर्फ वाई या तो फिर इंटर बटन प्रेस करते हो क्या करेंगे, इसको सेव कर। अब देखिए इसमें लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक कहीं दिख रहा है, क्योंकि जो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक था उसका नाम हम चेंज करके क्या कर दिए, एच डी एफ सी बैंक कर दिए। तो ये लगभग अगर लेजर को अल्टर करना तो हो जाएगा ना। अब आगे कह रहा है डिलीटिंग लेजर। अब जैसे सपोज करें हम कोई लेजर बना रहे हैं, आगे स्किप से वापस और क्रिएट में चले गए, क्रिएट में आने के बाद किस में आ गए? लेजर। और यहाँ लेजर बना लिए पड्रोना के नाम से, किस नाम से? पड्रोना। और इसका अंडर ग्रुप हम संडी क्रिएटर से रहने दिए, क्या रहने दिए? सबने। और इसको कंट्रोल ए करके हम क्या कर लिए, लेकिन पड़रौना नाम से लेजर हमको नहीं बनाना था ना। पड़रौना नाम से लेजर बन गया है, अब ये हटेगा कैसे? तो पहले कहाँ पे आएंगे? गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली के बाद से, और अल्टर में आने के बाद फिर किसमें आना होगा? लेजर, और लेजर में आने के बाद क्या सेलेक्ट करेंगे? ओपन हो जाएगा ना। अब ओपन करने के बाद से देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाएंगे तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा, बैक आ जाएगा इसके। और वही अगर जो किसके साथ, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएंगे, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे डी दिया है, सिंगल लाइन दिया है ना, तो ऑल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे तो क्या होगा? डिलीट होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर जो जिसके सामने सिंगल लाइन हो तो ऑल्ट के साथ, और जिसके सामने डबल लाइन हो उसको कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ डी बटन दबा दी, डिलीट का ऑप्शन आ गया है ना। अब कह रहा है कि डिलीट करना है, यस या नो? यस। पड्रोना नाम से कोई लेजर दिख रहा है? हाँ, लेकिन याद रखिएगा एक कंडीशन ऐसा है जो डिलीट होगा ही नहीं। आ रहा है समझे ना? अब डिलीट कब नहीं होगा? जब इस ट्रांजेक्शन की हम एंट्री कर ले। तो सपोज करिए कि हम यहाँ पे गए और यहाँ पे लेजर में, और एक रमेश नाम से, किस नाम से? रमेश नाम से एक लेजर बना लिया जो हमारा सप्लायर है,
जिस हम सामान खरीदते हैं, आया समझे ना, इसको कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, हो जाएगा ना। अब यही आ करके वाउचर में हम आ गए, क्योंकि वाउचर में ही तो सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करना होता है ना, ये हम पढ़े शुरू से। वाउचर क्या है, तो ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। तो ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए तो डॉक्यूमेंट तैयार करना है ना, तो किसमें आएंगे, वाउचर। ट्रांजेक्शन है कि परचेस कर रहे थे या फिर पैसा हमको पेमेंट करना है, मान लेते हैं पैसा पेमेंट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एंट्री कर लिए किसमें, किसको पैसा दे रहे हैं, तो रमेश को दे रहे हैं। कितना, एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपया ले करके और ऑन अकाउंट लेके इसको सेव कर लिए किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से। यहाँ हो जाएगा टू, कितना हो जाएगा 100 रुपये। अब इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब रमेश नाम से ट्रांजेक्शन हो गया है ना, कैसे चेक करेंगे, तो डे बुक में आ जाइएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बस हम ये समझा रहे हैं कि यदि आप लेजर बना लिए और लेजर, उस लेजर से कोई एंट्री कर दी है, एंट्री की है ना, और जो एंट्री की है वो चेक करने के लिए कहाँ पे आ जाएंगे, डे बुक। एक रमेश नाम से हम ट्रांजेक्शन कर दिए है ना, अब अगर हम रमेश का लेजर बहुत कोशिश कर लेंगे डिलीट करने की, रमेश नाम के लेजर को, तो डिलीट ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, ऑल्ट डी प्रेस कर रहे हैं, डिलीट हो रहा है। कब डिलीट होगा, कि जब सबसे पहले स्किप से वापस जाएंगे और वापस आने के बाद किसमें आ जाएंगे, डेबिट। और इस ट्रांजेक्शन को हम डिलीट करेंगे ऑल्ट के साथ डी से, हो जाएगा ना। जब ये ट्रांजेक्शन डिलीट होगा तब जाके ये हमारा लेजर डिलीट होगा ऑल्ट के साथ, हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा, जब किसी लेजर के नाम से यदि आप ट्रांजेक्शन कर देंगे वो लेजर डिलीट नहीं होगा। वो लेजर डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ट्रांजेक्शन डिलीट करना होगा। जब ट्रांजेक्शन डिलीट हो जाएगा तब क्या डिलीट हो पाएगा, इतना क्लियर है ना। अब उसके बाद से नोट्स में आगे देख लेते हैं जो दे रहा है क्या, डिलीटिंग लेजर, यदि हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर, और करा किसी लेजर को डिलीट करने से पहले अल्टर मोड में ओपन करते हैं, फिर कीबोर्ड से अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करके लेजर को डिलीट कर सकते। और आ कह रहा ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं, तो हम ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि जो ट्रांजेक्शन कर दिए हैं तो हम उस लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। क्या करना होगा, अगर फिर भी आप उसे लेजर को डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डिलीट करना होगा। तो जो हम वाउचर से आके ट्रांजेक्शन किए हैं ना, वो ट्रांजेक्शन डे बुक से आके क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तब जाके हम उस अल्टर में जाकर उस लेजर को डिलीट कर, इतना क्लियर है ना। अब आगे कह रहा है उसके लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, अल्टर, लेजर, और लेजर को क्या कर लेना होगा सर, और अल्ट के साथ, हो जाएगा ना। अब उसके नीचे कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, क्या बनाना है। अब ग्रुप, एक सिंपल उदाहरण यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले ग्रुप क्या है, तो अगर जो हमारा बिजनेस जो है वो रेलवे स्टेशन के पास, कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन के पास है, और यहाँ पे हमारे यहाँ सुभाष चौक से, कहाँ से, सुभाष चौक से लगभग कई सारे ऐसे कस्टमर जो हमारे यहाँ परचेस करने के लिए आते हैं, हमारे सब कस्टमर, आ रहा समझे ना। तो हम क्या करेंगे, तो एक सुभाष चौक के नाम से एक लेजर बना लेंगे, किस नाम से, सुभाष चौक के नाम से लेजर नहीं, ग्रुप बनाएंगे। पहले ग्रुप इसलिए बनाएंगे ताकि जितने भी कस्टमर आए उनका लेजर बनाना हो, और उस लेजर के ग्रुप के अंतर्गत किसका रखेंगे ग्रुप, सुभाष चौक, मतलब समझा रहा है, करके दिखा रहे हैं एक बार देख लीजिए। कि सबसे पहले हमको ग्रुप बनाना है, तो लेजर बनाने के लिए हम लोग क्रिएट में गए थे और फिर किस में गए थे, तो वैसे जब ग्रुप बनाना हो तो कहाँ पे जाएंगे, ग्रुप, और यहाँ बना लिए पडरौना, पडरौना नाम से दे, या सुभाष चौक के नाम से दे देंगे। क्या आ रहे हैं वहां से, कस्टमर है कि सप्लायर है, कस्टमर है तो सन्नी डेप्टर्स होगा और सप्लायर तो सन्नी, सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर ना। अब एक्सेप्ट कर लो, ग्रुप हमारा सेव हो चुका है ना। अब अगर जो हम लेजर बनाने जाएंगे, अब सुभाष चौक में या पडरौना से कोई आ रहा है रोहन नाम का, किस नाम का, तो ये कहाँ का रहने वाला है, तो यहाँ डाल देंगे पडरौना से आ रहा है, तो पडरौना के अंडर ग्रुप में देखिए सन्नी डेप्टर्स आ गया है ना।
कस्टमर है लेकिन किस जगह का? पडरौना। अब जितने भी लोग यहाँ पडरौना से आएंगे उनको इस ग्रुप में रखेंगे। इस ग्रुप में रखने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि सिर्फ, और जो पडरौना का हम ग्रुप ओपन कर लेंगे तो इसके अंदर जितने लोग आएंगे सबका डिटेल दिखने लगेगा। नहीं बनाना पड़ेगा ऐसे, अभी जैसे एक पडरौना का ग्रुप बना है ना, बनाने के लिए कहाँ गए? गेटवे ऑफ टैली क्रिएट, हाँ बस यहाँ पे उसका नाम ले लेंगे क्रिएट और लेजर, नाम टाइप कर लिए रमेशी दे दिए, यहाँ आ गए, यहाँ बस पडरौना लिख लेंगे आ जाएगा लिस्ट में, हो जाएगा ना। और उसके आगे कह रहा है यानी कि टैली प्राइम में टोटल 28 प्री डिफाइंड होते हैं, जो हम पिछले क्लास में बताए थे ना, टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 28 होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप होता है यानी कि इसका कोई अंडर ग्रुप नहीं होता, और 13 क्या होता है? सब ग्रुप होता है। जो कह रहा है 15 प्राइमरी ग्रुप में से 9 क्या होते हैं? बैलेंस शीट के पार्ट, बैलेंस शीट हम लोग पढ़े हैं ना, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का होता है, उसके कितने पार्ट है इसमें से? 9। और शेष किसके हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट। और कह रहे हैं सभी ग्रुप्स का प्रयोग करके हम किसी कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट यानी कि समूह आप लोग पढ़े थे, ग्रुप बनाना, आ रहा समझे ना? तो ग्रुप के माध्यम से, ये इसी ग्रुप के माध्यम से हम पडरौना के ग्रुप बनाए ना, और पडरौना ग्रुप के जितने भी कस्टमर आएंगे सबको हम इसी ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। आ रहा समझे ना? जो आगे कह रहा है कि अगर आप देखना चाहते हैं ग्रुप्स को देखने के लिए, तो गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना होगा, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, और वहीं पे आपको ये ऑप्शन के आगे क्या दिखाई देगा, तो आप आ जाइए टैली में, गेटवे ऑफ टैली। फिर कहाँ कह रहा है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यही है ना, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, यही है ना। इसके अंदर यहाँ आना है और इसके अंदर किसमें आ जाना है? ग्रुप्स। अभी कितना दिखाई दे रहा है? 29 क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम पहले 28 बताए हैं, लेकिन एक अभी हम बना लिए पडरौना के नाम से, क्योंकि 28 तो पहले से बाय डिफॉल्ट बने होते हैं ना, और एक हम बना लिए, टोटल कितना हो गया? हो जाएगा। हाँ अगर उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, उसके लिए कहाँ आना होगा? अल्टर ग्रुप डिलीट करना है ना, कौन सा? पडरौना, ऑल्ट के साथ डी, और फिर क्या कर लेंगे? अब पडरौना नाम से कोई है, और अगर जो चेक भी कर ले, देखिए कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, उसके आगे यहाँ आना है स्टैटिक्स में, और इसे यहाँ आने के बाद से आ जाएंगे ग्रुप्स में, कितना है टोटल, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे ग्रुप के बाद से कह रहा है कि आपको ग्रुप क्रिएट करना होगा, ग्रुप क्रिएशन। ग्रुप क्रिएशन के लिए कह रहा है यदि हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहें तो हमें उस ग्रुप को किसी प्री डिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत बनाना होगा। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होगा? जो पहले से टैली के द्वारा बनाया गया है उसके अंतर्गत रखना होगा। जो आगे कह रहा है जैसे यदि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ग्रुप को करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत बनाना चाहे तो निम्नलिखित प्रकार से बना सकते, एक ग्रुप बनाना है जो ग्रुप का क्या नाम होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप हम क्या रखेंगे? करंट लाइबिलिटीज। तो जैसे हम पडरौना बनाए थे ना, पडरौना के अंडर ग्रुप सन्डी डेब्टर्स रखे थे ना, तो वैसे जब हम जाएंगे बनाने के लिए क्रिएट, चलिए आप सबका शॉर्टकट की भी समझ लीजिए, सब में देखिए एक कोई ना कोई लेटर हाईलाइट जरूर होगा, दिख रहा है ना, वही उसका शॉर्टकट की। जैसे हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे हैं, क्रिएट में जाना है तो क्रिएट में कौन सा हाईलाइट है? सी बटन दबा दें, आ गया क्रिएट में लेकर के। अब हमको आना है ग्रुप में और नाम टाइप कर देना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या समझ लीजिए, तब इसका ग्रुप भरिएगा। एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? खर्च। और आउटस्टैंडिंग का मतलब भी आपने खर्च कभी पेमेंट नहीं किया, तो लाइबिलिटीज है कि एसेट्स है, एक्सपेंस के उसका पेमेंट नहीं किया, हमारे ऊपर कर्ज है ना। अब इस लाइबिलिटीज में फिक्स है कि करंट है? फिक्स जो लंबे समय तक के लिए रहेगा, और करंट जो कम समय के लिए रहेगा।
तो अगर जो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं, तो कल पैसा दे देंगे खत्म हो जाएगा, तो इसका अंडर ग्रुप किस में आ जाएगा? करेंट लाइबिलिटी। नीचे कुछ नहीं करना है, बस आपको कंट्रोल से क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना। जैसे देखिए आप बता रहा है कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर किस में आना है, उसके बाद फिर आपको सिंगल, यानी कि ये सिंगल नहीं है, टाइप हो गया है, ग्रुप के बाद से आपको नाम टाइप करना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सेप्ट। अंडर ग्रुप इसका क्या करना होगा, करंट लाइबिलिटीज, ये इंटर बटन दबा के या कंट्रोल वाइज क्या कंट्रोल से क्या कर लेना है, हो जाएगा ना। हाँ, इसमें कुछ ऑप्शन दे रहा भरने के लिए, जैसे एलियाज नेम क्या उससे मिलता जुलता ना, उसको पहचान करने के लिए, जिस कह रहा है एलियाज, यदि हम ग्रुप को किसी नाम से आइडेंटिफाई करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते। जैसे देखिए अभी हम लोग एक ग्रुप बनाए, किस नाम से बनाए हैं, आ जाते हैं अल्टर में, ग्रुप में, और अभी एक ग्रुप बनाया आउटस्टैंडिंग, हम चाहते हैं शॉर्ट नेम डालें तो अपने आप ये चला है। हम देखिए यहाँ पे GIT भर दी, क्या भर ली, एक्सेप्ट कर ली। अगर जो लेजर बनाने जाएंगे ना, नाम कोई भी भर लिए, और अगर जैसे हम यहाँ GIT लिखेंगे, देखिए GIT वहां ऊपर दिख रहा है ना, इंटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का ही नाम पहचानने के लिए तो हम GIT दिए थे ना, आ जा रहा है ना। तो एलियाज नेम क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए, और उसके आगे दे रहा है ग्रुप बिहेव लाइक ए सब, और आगे कह रहा है यदि ग्रुप को आप डायरेक्ट किसी ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करने के लिए करना चाहें, इस ऑप्शन को यस करें। जैसे हम चाहते हैं इसको ग्रुप के बिहेव पर भी यूज कर सके और लेजर के तौर पर भी यूज कर सके। अगर जो हम यहाँ बनाने आए हैं अल्टर के बाद से ग्रुप और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ग्रुप बिहेव लाइक ए सब लेजर, कि जो ग्रुप है वो बिहेव करेगा, बर्ताव करेगा कैसे, एक लेजर के जैसे। यदि आप इसको यस करेंगे तो अगर जो आप लेजर में जाकर के आउटस्टैंडिंग भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाए, आ रहा समझ में ना। आप भले से ही ग्रुप बनाए हैं, लेकिन अगर जो लेजर में जाके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन कब आएगा, जब ये ऑप्शन यस रहेगा, हो जाएगा ना। चलिए फिलहाल नो करके कंट्रोल से क्या कर लिए, तो ये बन जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से ना। दूसरा आपको दो और बनाना है, एक बनाना है संडे, ये डेप्टर्स साउथ, और दूसरा बनाना है डेप्टर्स। डेप्टर्स का मतलब होता है कस्टमर, ये आप लोग पढ़े हैं ना। अब जो डेप्टर्स हैं कस्टमर हैं, वो कुछ साउथ से आ रहे हैं तो कुछ नॉर्थ से आ रहा है, लेकिन है तो दोनों कस्टमर ही ना। तो पहले बना लेंगे ग्रुप संडे डेप्टर्स साउथ, इसमें आना होगा क्रिएट, और क्रिएट के बाद से ग्रुप का नाम क्या देना है, डेप्टर साथ, और इसका सब ग्रुप क्या रहेगा, संडे डेप्टर, जैसे पड्रोना के नाम से बनाए थे अभी ना, वैसे बना लिए डेप्टर साउथ, यानी कि साउथ की तरफ जितने भी कस्टमर आएंगे वो सब इसी ग्रुप के अंतर्गत रहे। कंट्रोल ए से अगला किसके नाम से कह रहा है, डेप्टर्स नॉर्थ, अंडर ग्रुप संडे डेप्टर्स, और कंट्रोल ए से हो जाएगा ना। और अल्टर ग्रुप और डिलीट ग्रुप ये भी हो जाएगा ना, जो अभी बताया, डिलीट करना हो किसी ग्रुप को तो, या किसी ग्रुप को अगर जो अल्टर यानी मॉडिफाई करना है, हो जाएगा ना। तो फिलहाल आज आप लोग क्या करेंगे, कम से कम बस ये तीन ग्रुप बना लीजिएगा आप लोग। पहला कौन सा, पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, करंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद दो ग्रुप बना लेंगे, और कौन सा, डेप्टर साउथ और डेप्टर्स। डिलीट कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, ये चेक कर लीजिएगा। और अगली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट होगा जब हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। जैसे हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट पढ़े थे ना, तो अब टैली में हम लोग बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे, कैसे बैलेंस शीट हमको बनाना होगा, आ रहा समझ में ना। अब जब ये बनाएंगे तो हम लोग को टोटल बैलेंस कितना दिखाना होगा, 34, क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।